किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी दाना मेथी की सब्जी। दाना मेथी हमारी डाइट में हमें जरूर से यूज करनी चाहिए। दाना मेथी का पानी पीजिए, दाना मेथी भिगो के खाइए और दाना मेथी की सब्जी बनाइए। साइड डिश की तरह से, आप अचार की तरह से जरूर से लंच हो या डिनर हो, एक चम्मच दाना मेथी तो जरूर खाइए। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी बहुत अच्छी है। जो मदर्स अपना फीड देती हैं, उनके लिए दाना मेथी बहुत अच्छी है। तो दाना मेथी की सब्जी तो हर घर में बननी चाहिए। आइए आज बनाती हूँ मैं अपने तरीके से दाना मेथी। ये एक कप मेथी है भिगो के बॉईल करी हुई है। एक कप मेथी को हमने भिगो लिया और बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद कढ़ाई में हम लेंगे थोड़ा तेल। इस तेल में ना हम डालेंगे सौंफ और मेथी को अच्छी तरह से निचोड़ कर अच्छी तरह से और इसमें तेल में डाल देंगे। जैसे हमने कपड़े में निचोड़ दिया और सारी मेथी को ना हमने इस तरह से इसमें पैन में डाल दिया और इसको अच्छी तरह से भुनना शुरू कर दिया। मेथी का ना पानी अच्छी तरह से सुखा लेंगे हम। इतना भुनेंगे इसको कि इसका पानी है ना वो सूख जाए। ये देखिए मेथी अच्छी तरह से भुन गई। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी, नमक, और इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम थोड़े से काजू और किशमिश। अब इसमें हम डालेंगे छुआरे, 5 से 6 छुआरे हैं जो हमने पतले लंबे काट के इसमें डाल दिए हैं। इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून गुड़ वाली शक्कर, आप चीनी भी डाल सकते हैं। स्वादानुसार डालेंगे हम अमचूर, अमचूर पाउडर भी डाल दिया। दाना मेथी की सब्जी पूरी के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। ये सब्जी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। दाना मेथी जो है वो हमारी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। हमारी डाइट में दाना मेथी हमें शामिल करनी चाहिए। तो ये जो दाना मेथी की सब्जी जो मैंने बनाई है ना, ये साइड डिश की तरह से भी काम करेगी और पूरी और पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। गैस को कर देंगे हम बंद और ये सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हाँ जी, कैसी लगी आपको ये दाना मेथी की सब्जी? जरूर से बनाइएगा और हर एज के लोगों को ये सब्जी खानी चाहिए। तो आप बनाइएगा, अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं एक हेल्दी रेसिपीज के साथ सुशीलाज किचन में।